दोस्तों, डॉग्स देखने में बहुत प्यारे होते हैं और हम इंसानों के अच्छे दोस्त भी होते हैं। आपने कई बार डॉग्स की लॉयलिटी के किस्से सुने होंगे, पर आज इस वीडियो में हम आपको डॉग्स का एक ऐसा रूप दिखाने वाले हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे डॉग्स खुद को बड़े जानवरों से बचाते हैं और कैसे ये डॉग्स अपनी बहादुरी से बड़े बड़े जानवरों का सामना भी कर लेते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, डॉग वर्सेस वुल्फ। वीडियो में दिख रहा ये तिब्बतियन मैस्टिफ काबिले तारीफ है। देखिए ये कितनी बहादुरी से 3 वुल्फ से लड़ रहा है। मानना पड़ेगा यार, मुझे तो लगता है कि ये डॉग सिर्फ खाने और सोने के लिए होते हैं, पर ये तो सच में बहुत बहादुर निकले। भले ही ये डॉग एक दूसरे को देखकर भुकते हैं, गुस्सा करते हैं, पर इनमें एकता भी बहुत होती है। शायद वह टिबेटियन मस्टिफ इनका दोस्त होगा, तभी ये अपने दोस्त का बदला लेने के लिए इस वोल्फ को बहुत ही बेरहमी से चीर रहे हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। एक डॉग वोल्फ का सर अपने मुंह में दबाकर खींच रहा है और दूसरा उसकी गर्दन। अब तो लगता है इस वोल्फ का बच पाना मुश्किल है। नंबर 9, डॉग अटैक्स जैगुआर। दोस्तों, ये तो आपने कई बार सुना होगा कि बिल्ली डॉग को देखकर दम दबाकर भाग जाती है, पर क्या आपने कभी किसी जगुआर को ऐसा करते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, जगुआर ये वही बड़ी बिल्ली है जो कि शेर और बाघ के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, पर इसकी पूरी शक्ति धरी की धरी रह गई जब इसके सामने अचानक से 3 डॉग्स आ गए। पहले तो इन 3 डॉग्स ने इस जगुआर को घेर लिया और फिर तीनों ने मिलकर जगुआर पर भोंकना शुरू किया। जगुआर ने खुद को वहाँ से निकालने और उन डॉग्स को वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, पर ये तीनों उसी पर हावी हो गए और जगुआर को ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। नंबर 8, डॉग वर्सेस वाइल्ड बोर। ये हम इंसानों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम डॉग को एक कमजोर शिकारी समझते हैं, पर ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल जानवर है और ये छोटे जानवरों का शिकार करने के साथ साथ बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 2 डॉग्स कैसे अपने आकार से बड़े वाइल्ड बोर से लड़ रहे हैं और इसकी चमड़ी को फाड़कर इसके मांस को खाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 7, डॉग अटैक्स फॉक्स। वीडियो में दिख रहा है ये दृश्य अच्छे अच्छों के होश उड़ा सकता है। देखिए 2 पिटबुल कितनी बेरहमी से इस फॉक्स को चीर रहे हैं। इनके इस युद्ध की वजह बता पाना तो बहुत मुश्किल है, पर इस फॉक्स के साथ बहुत बुरा हुआ। इन दोनों पिटबुल्स ने इस फॉक्स को अपने मुंह में दबाकर उसके बड़ी बेरहमी से टुकड़े कर दिए। पता नहीं इस डॉग और फॉक्स का आमना सामना कैसे हुआ। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन आज के बाद ये फॉक्स अब किसी भी डॉग के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि इस फाइट के बाद इसका ही बच पाना नामुमकिन है। क्योंकि जिस प्रकार से ये डॉग इस फॉक्स पर हमला कर रहा है, मुझे तो लगता है कि अगर कोई फरिश्ता आ जाए तो वही इस फॉक्स को बचा सकता है, वो भी अधमरी हालत में। नंबर 6, डॉग अटैक्स विजल। बात विजल की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि विजल एक कैर्निवोर है जिसका शरीर बहुत ही पतला, लंबा और पांव बहुत छोटे होते हैं और इसका आकार भी डॉग से काफी छोटा होता है। पर अपने चुलबुले और शरारती स्वभाव की वजह से विजल डॉग से पंगा लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और डॉग भी इनकी इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देता है। जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, ये डॉग विजल को अपने मुंह में दबाकर इसे बदला तो ले रहा है पर इसे खा नहीं रहा। नंबर 5, डॉग वर्सेस कोयोटे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉग्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उनके इलाके में कोई दूसरा डॉग या अन्य जानवर प्रवेश करे, और यही चीज पेट डॉग के साथ भी है। अगर गलती से भी कोई जानवर उनके घर या प्रॉपर्टी के अंदर आ गया तो भाई साहब ये उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि ये ब्लैक डॉग लगभग 30 मिनट से इस कोयोटे के पीछे भाग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कोयोटे गलती से इस डॉग के मालिक की प्रॉपर्टी में घुस आया। ये देखिए, गलती से यह कोयोटे इन 2 डॉग्स के सामने आ गया, पर अफसोस, यह गलती इस कोयोटो को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इन दोनों वाइट डॉग्स ने बड़ी बेरहमी से कोयोटो को तालाब के अंदर धकेला। कोयोटे लगातार बचने की कोशिश कर रहा है, पर अफसोस कि उसकी यह कोशिश नाकामयाब हुई और देखते ही देखते इन डॉग्स ने इस कोयोटे को मार डाला। नंबर 4, डॉग अटैक कंगारू। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि 2 डॉग्स ने किस प्रकार से कंगारू पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसे 1 मिनट से कम समय में मार भी डाला। नंबर 3, डॉग वर्सेस बॉम्बार्ड चिंचिला। डॉग्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उन्हें कोई भी सामने से आकर छेड़े। ऐसा करने पर वे बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जो कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। बॉम्बार्ड ने जरा सा बिगल को छेड़ा ही और बिगल को इस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने बॉम्बार्ड पर हमला कर दिया। खैर, बॉम्बार्ड भी कमजोर योद्धा नहीं, वो भी बराबरी से बिगल से लड़ रहा है। लगता है चिंचिला को डॉग्स के साथ खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। तभी इनके गुस्सैल स्वभाव के बारे में जानने के बाद भी चिंचिला डॉग्स को उकसाती है, पर अगर ऐसे में डॉग को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो चिंचिला को छोड़ेगा नहीं। नंबर 2, डॉग्स फाइटिंग। दोस्तों, ज्यादातर स्ट्रीट डॉग हम इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं और अपने साथियों के साथ भी बहुत प्यार से रहा करते हैं, पर अगर इनके एरिया में कोई अनजान डॉग एंटर कर गया तो यकीन मानिए कि ये उनकी शामत ला देंगे। जैसे कि इस ब्लैक डॉग की,
ये शायद अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में आ गया। तभी उस इलाके के डॉग्स ने इस पर हमला कर दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार ये डॉग्स दूसरे अनजान डॉग्स पर हमला करके उसे चीर रहे हैं। और ऐसी लड़ाइयाँ कभी खुद से बंद भी नहीं होती जब तक कोई तीसरा उन्हें बंद कराने ना आ जाए। जैसे इस लड़ाई में एक व्यक्ति ने आकर उन डॉग्स को भगाया और इस ब्लैक डॉग की जान बचाई। नंबर एक, डॉग अटैकिंग लेपर्ड। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यह दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और न शायद आप कभी देखेंगे। जरा देखिए तो, लेपर्ड बड़ी तशन में और तेजी से एक स्ट्रीट डॉग के सामने आया, पर यह डॉग तो डरने या भागने के बजाय उल्टा लेपर्ड पर भौंकने लगा। ये सब देखकर आपके जैसे लेपर्ड भी दंग रह गया और वहाँ से भाग निकला। है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों, यह थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आपको इन डॉग्स की बहादुरी कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। धन्यवाद।